हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली सीबीएसई अपलोडेड टर्म टू सैंपल पेपर ऑन दी वेबसाइट एंड हियर वी आर डूइंग दी सैंपल पेपर एनालिसिस एज वी हैव डन इन दी फॉर द टर्म वन एज वेल. सो वी आर डूइंग इट फॉर द टर्म टू एज वेल. स्पेशल ईयर है, स्पेशल ईयर इस सेंस में क्योंकि इस बार दो पेपर हो रहे हैं, दो बार बोर्ड का एग्जाम हुआ है. आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही साल में दो बार बोर्ड का एग्जाम हो, तो स्पेशल ईयर है तो कुछ स्पेशल बोर्ड भी करेगा, सीबीएसई भी करेगा. तो सीबीएसई ने क्या किया, सैंपल पेपर दिया है जो हमारे को, उसमें थोड़ा पैटर्न ही चेंज कर दिया. इनिशियली जो जनरली हम देखते आए हैं कई सालों से, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, 3 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, 4 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, 6 मार्क्स क्वेश्चन होते थे. इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है और क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के. तो जरा क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या सीबीएसई ने चेंज किया है. सीबीएसई ने सबसे पहले तो टाइम चेंज कर दिया, 2 आवर्स, क्योंकि टर्म वन ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास 40 मार्क्स का बचा हुआ है. तो 40 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का टाइम सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, अच्छा टाइम दिया है सीबीएसई ने. और नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है, 13 क्वेश्चन, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन. आई रियली अप्रिशिएट दिस मूव ऑफ सीबीएसई. सीबीएसई ने बहुत अच्छे से इसको फ्रेम किया. Okay, so if you look at the paper, sample paper is of very good quality. बहुत अच्छा sample paper issue किया है CBSE ने. पहला question है national income का. अगर हम question by question देख रहे हैं, पहले question में choice दिया national income, straight question final goods and intermediate goods का difference. Okay, पहले question की choice बिल्कुल simple, positive externality, negative externality का difference, बिल्कुल simple. Okay, if we move to the second question के अंदर numerical based question दिया है equilibrium का. Okay, बहुत simple question है. इसी का जो दूसरा income and employment chapter से numerical दिया है, that is multiplier based. Again, a very simple question, straight question. Third question में बहुत छोटा सा twist दिया है. हम लोग जनरली साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेविंग कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ही होता है. उसका थोड़ा सा ट्विस्टेड रिवर्स करके पेपर में दे दिया गया है. ओके, एंड इफ यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर. एज वी नो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ हेल्थ वाला ही टॉपिक है, तो हेल्थ वाले टॉपिक से एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा ना हो. ओके, एंड चॉइस में, साथ में इसमें जो चॉइस आई है, दैट इज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. बिकॉज यूनिट इज सेम, इसलिए इसके अंदर कोई ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है. और हमारा एम्प्लॉयमेंट से भी दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दे सकते हैं, क्योंकि एज पर सीबीएसई एंटायर यूनिट को हमें देखना है, तो एंटायर यूनिट के हिसाब से बिल्कुल सही डिवीजन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से आया हुआ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, inclusion and exclusion of what is included in national income, what is not included in national income, 3 marks question. Okay, and in comparison to this, in contrast to this, or wale question mein numerical based question diya hai for real and nominal GDP. Again, classical question hai, kai saalon tak aata raha hai ye question, to bahut simple straight question hai. Okay, next we are moving to the seventh question, thoda analytical question hai. सेवेंथ क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है, यू हैव टू एनालाइज, राइट? थोड़ा सा लेवल अप है इस क्वेश्चन का. अगेन मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एट्थ क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट नॉट एग्जैक्टली सेम. इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन. नाउ इफ वी लुक एट दिस, सो देयर इज वन केस बेस्ड स्ट्रेट क्वेश्चन एंड सेकेंड इज केस बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन. बहुत अच्छे से सेट किया, केस दिया, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया वो स्ट्रेट क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्टली केस पढ़िए, उसमें से आंसर निकालिए. सेकेंड वाले में थोड़ा सा एनालिसिस दिया, बच्चे के एनालिटिकल स्किल्स को चेक करना चाहता है सीबीएसई. ओके, नेक्स्ट इफ यू मूव टू द टेंथ क्वेश्चन, नेशनल इनकम एंड वेलफेयर, स्ट्रेट क्वेश्चन, कुछ भी इसमें ट्विस्ट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है. अगेन इलेवेंथ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट, क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई,
कई सालों तक रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन आता रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप एंड मेजर्स टू करेक्ट इट। सीबीएसई ने बिल्कुल बच्चों को एक तरीके से गिफ्ट दे दिया कह सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आई कैन से 515, राइट। नेक्स्ट वी मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में भी दो पार्ट किए हैं सीबीएसई ने। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, इट इज इनकम मेथड न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है, स्ट्रेट न्यूमेरिकल है, ओके। इसके साथ में एक क्वेश्चन एड ऑन कर दिया 3+2, विच इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर। बट 12th क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, और पार्ट है, विच इज अ वैल्यू एडेड न्यूमेरिकल। इफ यू टॉक अबाउट वैल्यू एडेड न्यूमेरिकल, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट्स सीबीएसई ने यूज किए हैं वो थोड़े ट्विस्टेड हैं। जब तक आपको उसके कॉम्पोनेंट के बारे में पता ही नहीं होगा, एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। साथ में जो एडिशनल क्वेश्चन दिया है, विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ एनएफआईए, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते थे कॉम्पोनेंट ऑफ एनएफआईए को। इस बार सीबीएसई ने बता दिया कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ ऐड करना है आपको, राइट। तो कॉम्पोनेंट एनएफआईए आपको याद करना है, समझना है, राइट। सो 12th क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ इफ यू मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन के अंदर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन दिया है, अकेला क्वेश्चन दिया है पूरे में। अगर हम देखें पूरे सैंपल पेपर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर का सिर्फ एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, एंड सेकेंड पार्ट जो दिया है वो एम्प्लॉयमेंट, विच इज अगेन बहुत सिंपल कैजुअलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का कैजुअलाइजेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे भी सीबीएसई ने बहुत अच्छे से कैजुअलाइजेशन का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है लेकिन आंसर स्ट्रेट है। 13th क्वेश्चन की ब्यूटी है कि क्वेश्चन स्ट्रेट है, आंसर स्ट्रेट है, क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन नंबर 13। Now, if we do some analysis of sample paper, national income में CBSE ने national income के लिए 10 marks allot किए थे syllabus में, जब CBSE ने term 1 और term 2 का allotment किया था, term 1, term 2 के बारे में लोगों को बताया था और अपना circular निकाला था, तब उसने कहा था कि CBSE ने कि 10 marks का होगा, लेकिन थोड़ा सा sample paper में twist है, weightage is of 13 marks, so there is a deviation of 3 marks, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में +3 का डेविएशन दिया। और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सीबीएसई ने कहा था कि हम 12 मार्क्स का देंगे, लेकिन सैंपल पेपर में हम देखते हैं कि वेटेज इज ऑफ ओनली 9 मार्क्स, सो अगेन द डेविएशन इज -3। बट ओवरऑल मैक्रो की वेटेज जो सीबीएसई ने अलॉट की थी उसी के हिसाब से बिल्कुल इक्विवेलेंट रखा है, देयर इज नो डेविएशन, राइट। Secondly, if we move to the Indian economic development, CBSE ने कहा था employment, infrastructure, environment का जो topic होंगे उसमें से इस unit से 12 marks का आएगा, 12 marks का ही दिया, no deviation। Comparative development 6 marks का था, 6 marks का ही CBSE में देखते हैं, no deviation। बिल्कुल balanced paper CBSE का। Now, various choices are given to you. Overall choices are 5 overall choices. We can see we have three choices in 2 marks, 2 marks के questions में 3 choices दी हैं, 1 3 marks में choice दी है और 1 5 marks में choice दी है। So overall अगर हम देखते हैं तो 5 choices available हैं हमारे पास, और all in all बहुत अच्छा sample paper बना के दिया है, बहुत अच्छा। अगर ऐसा ही sample paper के जैसा ही board का paper आता है तो बहुत अच्छे से बच्चे पक्का score करने वाले हैं, right? So this is a very good sample paper. I really liked it. And hopefully इसी pattern पे CBSE का sample paper आएगा और बच्चे अच्छे से score कर पाएंगे। Thank you very much.